ओके तो अभी का जो हमारा सेशन है इट्स अबाउट सम लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। हम लोगों ने सेट्स चैप्टर शुरू किया, उसके बाद में हमने दो एक्सरसाइज भी अब तक सॉल्व किए। नाउ आई वॉन्ट टू डिस्कस सम लॉज ऑफ अलजेब्रा विथ यू, और ये सभी लॉज मेरे हिसाब से रटने वाले लॉज नहीं है। बहुत सारे लोग इसको रटना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो इन सब का आंसर हमें मिलने लग जाएगा। सो लेट मी स्टार्ट विथ वेरी सिंपल थिंग्स। लेट्स से एनी सेट फॉर एनी सेट ए, कोई सेट ए है, कोई मुझे बताएगा ए यूनियन फाई क्या होगा। कोई भी सेट ए है उसके लिए ए यूनियन फाई क्या होगा। सेट ए और सेट फाई, यूनियन का मतलब आप सभी जानते हो। ऐसे एलिमेंट्स ए यूनियन फाई यानी क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई, राइट। दिस इज द डेफिनेशन। या तो एक्स ए में होना चाहिए या एक्स फाई में होना चाहिए। अब फाई यानी फाई में तो कुछ भी नहीं होगा, तो जो भी होगा वो ए में होगा, तो ये कौन सा सेट बन जाएगा, ए। यस, वेरी गुड, ए यूनियन फाई इज ए, ए यूनियन फाई इज ए। सो दिस इज लेट्स से वन रूल ऑफ अलजेब्रा विच वी हैव फाउंड आउट। आर यू गेटिंग इट? क्या सभी को ये लॉ समझ में आ गया? बेटा एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए नहीं बोलेंगे। हाँ राइट, मैंने क्वेश्चन वैसे पूछा था, करेक्ट। लेकिन यहां पर हमें ध्यान में रखना है ए यूनियन फाई यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू ए अगेन। आर यू रेडी फॉर द सेकंड क्वेश्चन? ओके, अब सोच समझकर मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा। कोई भी सेट ले लो ए, उसका और फाई का कॉमन क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन फाई क्या रहेगा। ए में कुछ एलिमेंट्स है, फाई में कुछ भी नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या रहेगा, राइट। अगर फाई में कुछ भी नहीं है तो कॉमन भी तो कुछ भी नहीं रहेगा, यानी एम्प्टी सेट रहेगा विच इज फाई। एंड दिस इज हाउ वी गॉट अवर सेकेंड रूल। यस थैंक यू, फाइव एम्प्टी सेट आप अलग अलग तरीके से बता रहे हो एंड इट्स करेक्ट, थैंक यू वेरी मच। नाउ थिंक अबाउट दिस, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ग्रेट। सो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, यू बनेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ए ऑलरेडी है, तो अगर हमने इन दोनों को जोड़ भी दिया तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज यू। एंड फोर्थ, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। राइट, ए और यू में कॉमन क्या रहेगा, ए और यू में कॉमन क्या रहेगा, ए। ओके, क्या आप लोग साथ साथ ये प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर रहे हो?
वेरी गुड। तो अब हमारे पास ये चार प्रॉपर्टीज आ गए। अब ना इन चारों प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को कुछ दो एक दो चीजें सीखना है। मैं वापस आऊंगा इस प्रॉपर्टी पर, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं अभी। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ वन, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन होता है। यस, नथिंग इन कॉमन, दैट मीन्स दिस सेट विल बी राइट। सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज एन एम्प्टी सेट विच इज फाई। नाउ द नेक्स्ट वन, सिक्स्थ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हेल्प करता हूं मैं आपको। ये होता है यूनिवर्सल सेट। इसमें सपोज ये सर्कल हमने ले लिया ए, तो इस सर्कल के अंदर जो भी है वो क्या होगा, ए, और इस सर्कल के बाहर जो भी है लेकिन यू में है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो आप जब ए कॉम्प्लीमेंट और ए को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा। यस उज्जवल, करेक्ट, आस्था ने भी करेक्ट बताया, स्मित, ललित, श्रेया, अवंतिका, वेरी गुड। सो आप बता रहे हो अब इट विल बी यूनिवर्सल सेट एंड इट इज करेक्ट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ओके, सो यहां तक कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको इस तरीके से पूछना चाहूंगा। एक्चुअली आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो कुछ ऑपरेशंस हम लोग सीखते हैं। ओके, विप्लव, विच पार्ट यू डिडंट अंडरस्टैंड, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यू कैसे हुआ, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी यू हैवंट अंडरस्टूड। सिक्स्थ वन, फिर से देखो, ए में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होते हैं जो ए में नहीं होते हैं लेकिन यू में होते हैं। तो उसके हिसाब से ये सर्कल यानी अगर ए है और ये यूनिवर्सल सेट है तो ए में नहीं होने वाले सभी के सभी एलिमेंट्स अगर मैं शेड करता हूं तो ये क्या बना, ए कॉम्प्लीमेंट बना। अब मुझे बताइए, अगर आपने ए कॉम्प्लीमेंट यानी ये शेडेड पोर्शन और ए इनका पूरा यूनियन ले लिया तो क्या बनेगा। यस, इट विल बी यूनिवर्सल सेट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो अभी तक हमने छह प्रॉपर्टीज किए। इन छह प्रॉपर्टीज की तरफ देखने का एक और नजरिया मैं आपको बता सकता हूं। यू नो, जैसे हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी मतलब कैसा, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन क्यों है, क्योंकि आपको ऐड करने के लिए दो नंबर चाहिए, 2 + 3। अब दो नंबर आए तो आप ऐड कर सकते हो, करेक्ट। अब ये दो नंबर्स
चाहिए रहते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए, इसीलिए ये ऑपरेशन हो गया बाइनरी ऑपरेशन। राइट, वैसे ही आपको ध्यान में होगा कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन ये दोनों के दोनों बाइनरी ऑपरेशंस हैं। क्योंकि उन्हें वर्क करने के लिए हमें दो दो चीजें चाहिए रहती है, मतलब दो सेट्स चाहिए रहते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताइए, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, इन दोनों के वैल्यूज इक्वल आएंगे कि अनइक्वल आएंगे? ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, यस दे विल बी इक्वल। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, इक्वल आएंगे, करेक्ट? तो अब ये इक्वल है, लेकिन एक ध्यान में रखना, और आपको मैं ना यानी अगले क्लास में ए माइनस बी ऑपरेशन पढ़ाऊंगा, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं है, तो हमें सिर्फ ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक्चुअली ऐसे लॉ को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम है कि आपने 1+2 किया या 2+1 किया तो सम सेम आता है। जब कोई ऑपरेशन करते वक्त ऑपरेट करने वाले दो एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहा, यानी आपने 1+2 किया या 2+1 किया तो आंसर सेम आने वाला रहा, तो हम लोग उस ऑपरेशन को कम्यूटेटिव ऑपरेशन कहते हैं। तो ध्यान में रखो, एडिशन मल्टीप्लीकेशन ये कम्यूटेटिव है। कोई मुझे बताएगा क्या कि सब्ट्रैक्शन, दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा? दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा? नॉट कम्यूटेटिव, राइट? क्यों? क्योंकि 1-2 और 2-1 या दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो तो सेम नहीं आता है। गुड, अब एक और लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कैसा होता है? मुझे बताइए, मुझे सपोज तीन नंबर्स का सम करना है, तो अगर मैंने पहले ऐसे किया और किसी ने ये किया, सुनो ठीक से, जब आप तीन नंबर्स का एडिशन करते हो, करेक्ट, तो ये तीन नंबर्स का एडिशन एक्चुअली नहीं, हमें दो नंबर्स का एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन, तो हम लोग एक्चुअली तीन नंबर को ऐड करते हैं, मतलब पहले किसी दो को ऐड करते हैं और बाद में उसमें तीसरा ऐड करते हैं। तो अगर मैंने पहले 1+2 किया और बाद में उसमें 3 ऐड किया, या पहले 2+3 किया और बाद में फिर उसके साथ 1+ किया, तो इन दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? आपने पहले 1+2 किया या फिर पहले 2+3 किया, इस पे आपका आंसर चेंज होता है या सेम रहता है? सेम, राइट? जब ऐसा करने पर आंसर सेम होता है तो हम बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑपरेशन कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है, हम ऐसा बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो एक्चुअली हमारे इसमें भी, मतलब यूनियन इंटरसेक्शन के ऑपरेशंस में भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो या फिर ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी करो तो सेम आता है। सिमिलरली ए यूनियन बी और यूनियन सी करो या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी करो, सेम आता है। इन दोनों लॉस को हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ में ध्यान में रखना, दोनों ऑपरेशन सेम है, दोनों जगह पर, एक जगह पर यूनियन दूसरे जगह पर इंटरसेक्शन नहीं है।
दोनों जगह पर यूनियन है या दोनों जगह पर इंटरसेक्शन है, बस कौन पहले, कौन सा कैलकुलेशन पहले करोगे उस पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इन्हें कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है आपको याद है? अगर आपको a इंटू बी प्लस सी करना पड़ा तो आप इसको a इंटू बी प्लस a इंटू सी लिख सकते हो, इज इट करेक्ट? a इंटू बी प्लस सी रहा तो आप a इंटू बी प्लस a इंटू सी करते हो, राइट? ओके, ऐसा सभी लोग करते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है? हम लोग बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्या बोला फिर से बताओ मुझे, मैंने क्या बोला इसको? मल्टीप्लिकेशन यानी इनटू इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, इसीलिए ये मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। लेकिन आपको मालूम होगा एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, यानी ए प्लस बी इंटू सी रहा तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या? कैन यू राइट दिस? ए प्लस बी इंटू सी को ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी लिख सकते हो क्या? ये नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। वेरी गुड, यहां पर मैं एबीसी रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं ऑब्वियसली। अच्छा, तो हमारे जनरल नंबर्स में हमें क्या ध्यान में आया? हमें ध्यान में आया कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, बट एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, बट एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन। एंड इफ दिस लॉज आर क्लियर आपको अब डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में, तो ये जो दो लॉज है इंटरसेक्शन का, ये रूल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो आप, यहां पर अलग ऑपरेशन है, यहां पर अलग ऑपरेशन है, तो इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, एंड उल्टा भी ट्रू है, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, ये भी ट्रू है। आपको अलग अलग एग्जांपल से ये सीखने को मिलेगा जल्दी ही, राइट? बट मैं लॉज आपको अभी सिर्फ एक्सप्लेन करते जा रहा हूं ताकि आपको मालूम रहे ये सभी लॉज। तो क्या आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ध्यान में आ गया? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये लॉज के नाम अगर हम लोग याद में रखते हैं तो हमें उसका बेनिफिट होगा आगे चल के, क्योंकि मैथमेटिक्स को और अच्छे से पढ़ने के लिए किस तरीके के लॉ को क्या बोलते हैं ये मालूम रहेगा तो थोड़ा सा आसान जाएगा। नाउ एक और इंपॉर्टेंट लॉ है, क्लोजर लॉ, ठीक है ना? ये ऐसा है
मैं सिंपली थोड़ा सा ये क्लोजर लॉ जो है वो नंबर से समझाना चाहूंगा। कंसीडर सेट एन एंड ऑपरेशन प्लस यानी एडिशन। अब फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग टू एन, एक्स प्लस वाई विल बिलोंग टू। इस प्रॉपर्टी की तरफ देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि नेचुरल नंबर का सेट लीजिए और ऑपरेशन कंसीडर कीजिए एडिशन प्लस। अब आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, उनका सम कीजिए, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरल आएगा क्या? क्या किसी भी दो नेचुरल नंबर्स का सम हमेशा नेचुरल आता है? गुड। तो मैं इसे अलग वर्ड्स में ऐसे लिख रहा हूं, ठीक से अब देखो मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, एक्स प्लस वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू एन। हेंस प्लस दैट इज एडिशन फॉलोज क्लोजर ऑन सेट ऑफ नेचुरल्स दैट इज एन इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये वर्डिंग सुनो, एन इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, सो एन इज क्लोज्ड अंडर एडिशन का मीनिंग क्या लोगे आप? एन इज क्लोज्ड अंडर एडिशन का मीनिंग ऐसा लेना है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर का एडिशन नेचुरल ही आता है। क्या आप मुझे बता सकते हो इज एन क्लोज्ड अंडर डिवीजन? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इज एन क्लोज्ड अंडर डिवीजन, क्या दो नेचुरल नंबर्स का डिवीजन हमेशा नेचुरल आएगा? स्मिथ सोचकर देखो, क्या दो नेचुरल नंबर्स, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स लो, उसका डिवीजन हमेशा नेचुरल आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 3 नेचुरल आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, राइट? अरे दो नेचुरल नंबर्स का डिवीजन बोल रहा हूं मैं, डिवीजन। कुछ लोग यस बोल रहे हैं, दो नेचुरल नंबर्स का डिवीजन नेचुरल नहीं आ सकता, इसीलिए मैं लिख सकता हूं कि एन इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी। इज एवरीवन लिसनिंग? सुन रहे हो ना आप सभी? ठीक है, कौन सा किस किसके बारे में बात करने वाले हैं हम अभी? आइडेंटिटी की बात करने वाले हैं, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, एडिशन की आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मतलब क्या है बता देता हूं मैं आपको। आइडेंटिटी मतलब ऐसा एलिमेंट जो ऑपरेट करने के बाद वैल्यू नहीं बदलती। जैसे मल्टीप्लीकेटिव
आइडेंटिटी क्या होता है, वन नंबर वन ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी नंबर में वन मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्स इंटू वन, बताएंगे कितना आता है किसी भी रियल नंबर एक्स के लिए एक्स इंटू वन कितना आता है। हाँ वेरी गुड। तो आपको ध्यान में आया क्या कि वन ये नंबर ऐसा है, वन ये नंबर ऐसा है कि जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वन ये नंबर ऐसा है कि जिससे हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होती, इसीलिए वन को कहा जाता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, यानी मल्टीप्लीकेशन करने पर वैल्यू नहीं बदलने देता, इसीलिए वन क्या हो गया, वन क्या हो गया मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। कैन यू टेल मी नाउ व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी कौन रहेगा? राइट राइट। सो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाई जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी? क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, अगर आप उसमें जीरो ऐड करोगे तो एक्स ही आएगा। तो आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होगा जो ऑपरेट करने पर वैल्यू नहीं बदलने देता। तो अब मुझे एक बात बताइए कि इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी कौन होगा? कोई भी सेट ए के साथ ऐसा कौन सा सेट है जिसको आप इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर ए के ए ही आएगा। ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा आज। नहीं, ए इंटरसेक्शन फाइव फाइव हो जाता है बेटा। यस यू हेंस यूनिवर्सल सेट इज आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन। राइट। और दूसरा, अब मुझे बताइए यूनियन ऑपरेशन के लिए ऐसा कौन सा सेट है कि जो आपको किसी भी सेट ए के लिए ए ही वापस देगा? यस फाई। हेंस फाई इज आइडेंटिटी फॉर यूनियन। राइट। सो दिस वेयर सम प्रॉपर्टीज। राइट। अब प्रॉपर्टीज खत्म हो गए क्या यहां पर? नहीं, आप इसके अलावा भी कई सारे प्रॉपर्टीज बना सकते हो। एक छोटा सा डिस्कशन मैं चाहता था हम लोग करें, ये डिस्कशन इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप खुद करें। इसके बाद भी और कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में आपको समझना है, सीखना है, पढ़ना है आपके नोट्स में से, टेक्स्ट बुक में से। तो ये प्रॉपर्टीज लिख कर रहेगी और हम लोगों ने याद कर लिया उससे नहीं होने वाला हमारा काम। हमें हर प्रॉपर्टी को समझकर आगे बढ़ना है। ओके। सो आई होप आप लोगों को ये सभी प्रॉपर्टीज अब समझ में आने लग गई है। अभी तक जितने प्रॉपर्टीज बताए उतने ध्यान में आ गए क्या सभी को? ओके। सो थैंक यू वेरी मच। ये वाला सेशन भी मैं यहां पर एंड कर रहा हूं।
आई होप